नमस्कार दोस्तों, तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपके लिए बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं कि लॉन्ग वीडियो हमको बनाना चाहिए कि शॉर्ट वीडियो बनाना चाहिए, किसको बनाने से ज़्यादा फायदा होता है, फिर किससे ज़्यादा पैसे हमको मिलते हैं लॉन्ग से कि शॉर्ट से, या फिर किससे चैनल हमारा जल्दी मोनेटाइज होता है, शॉर्ट वीडियो बनाने से कि लॉन्ग वीडियो बनाने से। तो आपको इसके बारे में आज बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करते हैं और जैसा हम कहते हैं आप पैसा समझ जाते हैं तो आप अपने चैनल पर अच्छे से काम कर पाएंगे। तो फिलहाल अभी चलते हैं, जो हमारे कल की वीडियो में विनर हुए थे उनका हम नाम लेने जा रहे हैं। तो आप लोग इनका सभी लोग का सपोर्ट जरूर करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे एक कमेंट आया था दिव्या तिवारी लोकगीत, तो आप इनके चैनल को जरूर ही सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और दूसरे नंबर पे हैं रानी कुमारी ऑफिशियल, तो इनके चैनल को भी आप लोग जरूर सपोर्ट करिएगा। और तीसरे नंबर पे हैं रिंकू कुमारी कुमार, तो इनके चैनल को भी आप जरूर सपोर्ट करिएगा। और चौथे नंबर पे हैं पिंकी भक्ति जी हैं, इनका भी आप लोग जरूर ही सपोर्ट करिएगा। और पाँचवें नंबर पे हैं गुड्डी यादव लोकगीत, तो इनको भी आप सपोर्ट करिएगा। और छठवें नंबर पे हैं पुष्पा लोकगीत, तो आप इनको भी सपोर्ट करिएगा। और सातवें नंबर पे हैं पूनम सोनी स्टेचिंग ब्लॉग, तो इनको भी आप सपोर्ट जरूर ही करिएगा। आठवें नंबर पे हैं बीना सिंह लोकगीत, तो इनको भी आप सपोर्ट करिएगा। और नौवें नंबर पे हैं लोकगीत, तो इनको भी आप सपोर्ट करिएगा। और दसवें नंबर पे हैं गायत्री कुशवाहा, तो इनको भी आप सपोर्ट करिएगा। तो सभी लोग का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर इनका सपोर्ट जरूर करिएगा। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमको शॉर्ट वीडियो बनानी चाहिए कि लॉन्ग वीडियो बनानी चाहिए? तो देखिए, अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो आपको क्या करना है, देखिए शॉर्ट वीडियो का मोनेटाइज कैसे होता है। अगर आपके चैनल पे 3 महीने के अंदर अगर 10 मिलियन, यानी 10 मिलियन का मतलब 1 मिलियन में 10 लाख व्यूज होते हैं, तो ऐसे ही 10 मिलियन में 100 यानी 100 लाख व्यूज आपके चैनल पे आएंगे तब 3 महीने के अंदर, तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा। अगर उसके बाद आता है तो पिछला मतलब व्यूज कटता जाता है। तो इसलिए आपको अपना शॉर्ट से मोनेटाइज करना है कि लॉन्ग से करना है? तो देखिए, शॉर्ट पे तो ऐसे मोनेटाइज होते हैं, और इसको आपको बता दें कि इससे पैसे कैसे बनते हैं। तो देखिए, शॉर्ट वीडियो पे अगर आपके YT स्टूडियो में 48 घंटे का व्यूज जो होता है 2.5 लाख से ऊपर रहेंगे, तब जाके आपको $1 बनेगा शॉर्ट वीडियो पर, तब जाके आपको $1 बनता है। तो इस तरीके से शॉर्ट वीडियो मोनेटाइज होता है और शॉर्ट वीडियो से कितने पैसे मिलते हैं। तो अब आपको बता दें कि लॉन्ग वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? तो देखिए, जो लोग लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं, तो लॉन्ग वीडियो में क्या होता है कि लॉन्ग वीडियो में तो जल्दी व्यूज आते नहीं, ये आप समझ जाइए कि लॉन्ग वीडियो पे जल्दी व्यूज नहीं आते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट रहता है, नया चैनल है, बहुत अच्छा कंटेंट है, तब आपके चैनल पे व्यूज आ जाएंगे, नहीं तो लॉन्ग वीडियो पे जल्दी व्यूज नहीं आते हैं। फिलहाल ऐसा नहीं है कि लॉन्ग वीडियो बनानी नहीं चाहिए, लॉन्ग वीडियो भी बनानी चाहिए, ब्लॉगिंग करनी चाहिए, या फिर कुछ भी आप बनाना चाहते हैं लॉन्ग वीडियो से रिलेटेड तो आप बना सकते हैं, कुकिंग का कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लॉन्ग वीडियो नहीं बनानी चाहिए, बनानी चाहिए, लेकिन बता रहे हैं कि फायदे क्या होते हैं और किससे क्या प्रॉफिट होता है। तो देखिए, लॉन्ग वीडियो पे जब आपका जैसे कि अगर 4 लाख 5 लाख अगर आपके चैनल पे व्यूज आ गए लॉन्ग वीडियो के, तो आपके वॉच टाइम बहुत जल्द ही पूरे हो जाएंगे, और जब जल्द पूरे हो जाएंगे तो आपका चैनल बहुत ही जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन मोनेटाइज तब होगा जब आपके लॉन्ग वीडियो पे व्यूज आएगा। और देखिए, शॉर्ट वीडियो पे व्यूज आ रहा है और आप उस पर लाइव आइए, शॉर्ट वीडियो पे अगर व्यूज आपका 48 घंटे में 1 लाख है, मतलब 30,000 है, 40,000 है अगर रियल टाइम, तो आप लाइव आइए और लाइव से आप अपना वॉच टाइम इकट्ठा करिए। क्योंकि देखिए, लॉन्ग वीडियो तो चल नहीं रहा है, तो शॉर्ट वीडियो थोड़ा चल रहा है, तो आप लाइव आकर के अपने वॉच टाइम को कंप्लीट करिए। क्योंकि आप इतना शॉर्ट भी किसी का जाता नहीं, जो बहुत अच्छा बनाता है उसका ही 3 महीने के अंदर 10 मिलियन कंप्लीट होता है, तो इतना व्यूज तो हमारे लोग चैनल पे आने वाला है नहीं, इतना तो हम लोग जानते ही हैं। तो इसलिए आपको मोनेटाइज करना है तो लाइव आइए। आप अपना, हम तो सोचते हैं आप अपना लाइव वॉच टाइम से कंप्लीट करें, मतलब मोनेटाइज करें चैनल, तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि वॉच टाइम तो आपको 1 साल का टाइम मिलता है, 1 साल के अंदर आप कर लेंगे, लेकिन व्यूज वाला होता है 3 महीने के अंदर, 3 महीने के बाद 4th महीने लगा तो पिछला वाला उसका व्यूज कटता जाता है। तो इसलिए व्यूज तो उतना आना मुश्किल है हमारे चैनल पे, 10 मिलियन मतलब बहुत होता है व्यूज। तो आप शॉर्ट वीडियो अगर बना रहे हैं तो लाइव आइए, और लाइव पर डे 6 से 7 बार, मतलब आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, ऐसे रेगुलर आते रहिए। और अपने अगर शॉर्ट बना रहे हैं तो अपने शॉर्ट पर भी ध्यान दीजिए,
आपके शॉर्ट वीडियो पर व्यूज आ रहे हैं तो आपके लाइव में भी लोग ज्यादा जुड़ेंगे, अगर व्यूज नहीं आ रहे हैं तो लाइव में ज्यादा लोग नहीं जुड़ेंगे। फिलहाल आप लाइव रोज रोज आते रहते हैं तो आपके लाइव में भी लोग जुड़ते रहते हैं। और आप सुबह सुबह लाइव आएंगे, जैसे सुबह के 5, 5:30, 6 बजे अगर आप लाइव आते हैं तो आपके लाइव में लोग ज्यादा जुड़ते हैं, क्योंकि इस चीज को हमने देखा है। तो फिलहाल आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो आप लाइव भी आइए और अपने चैनल को तब मोनेटाइज कर पाएंगे। और लॉन्ग वीडियो का क्या होता है, लॉन्ग वीडियो पे जल्दी लोगों का व्यूज आता नहीं लॉन्ग वीडियो पर, और वो लोग भी शॉर्ट भी बनाते हैं, जो कोई कोई होता है ना कि लॉन्ग शॉर्ट दोनों ही बनाता है, जैसे मैं भी लॉन्ग शॉर्ट दोनों ही बनाती हूँ। तो मैं भी अपना चैनल मोनेटाइज की थी लाइव से ही, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा शॉर्ट पर भी व्यूज नहीं आया कि 10 मिलियन कम्प्लीट हो जाए, और इतना लॉन्ग वीडियो भी व्यूज नहीं आया कि हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए हमने जब अपना शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू किया तो फिर शॉर्ट वीडियो पे मेरे कुछ अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे, तो हम लाइव ज्यादा से ज्यादा दिन में 6-7 बार जैसे मतलब लग गए थे कि हमको कैसे भी करके 1 महीने के अंदर अपना चैनल मोनेटाइज करना है। तो इसलिए अपना लाइव ज्यादा से ज्यादा आते थे, तो जाके हमको वॉच टाइम बहुत लाइव से बहुत अच्छा खासा वॉच टाइम मिलता है। अब आपको आपको एक उदाहरण दे, जैसे आपने कोई वीडियो डाला 10 मिनट की वीडियो आपने डाला तो उस पर अगर 50 व्यूज आए 60 व्यूज आ गए 2-3 दिन में, और लेकिन आप लाइव आते हैं और लाइव में जैसे लाइव में आप जुड़े और रहे 15-20 मिनट रह लिए, तो उसके बाद जब आपने लाइव कट किया तो फिर आपको दिखा कि हाँ 200 लोग 300 लोग, तो आपको 200-300 व्यूज आया ना, तो लॉन्ग वीडियो आपने बनाया है उस पर तो भी 60-70 ही व्यूज चल रहे हैं, लेकिन आपके लाइव में लोग 300-400 लोग लाइव कट करने के बाद दिख रहे हैं। तो देखिए आपको लाइव से ज्यादा वॉच टाइम मिलेगा जो आपने वीडियो डाला है उससे ज्यादा। तो हम नहीं कहेंगे आप वीडियो मत डालिए, आप वीडियो भी डालते रहिए, लेकिन मतलब लाइव भी आते रहिए और शॉर्ट वीडियो भी डालते रहिए, क्योंकि इतना अच्छा हमारे पास कोई लॉन्ग वीडियो भी बनाने के लिए इतना अच्छा कंटेंट नहीं होता कि हम वीडियो डालें लॉन्ग वीडियो और तुरंत ही चलने लगे, वायरल ही हो जाए, हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए आप लॉन्ग भी बनाइए और शॉर्ट भी बनाइए, जैसा हम भी बनाते हैं लॉन्ग भी बनाते हैं शॉर्ट भी बनाते हैं, तो आप भी अगर लॉन्ग शॉर्ट दोनों बनाते हैं तो कोई ये है नहीं कि आपको लॉन्ग ही बनाना चाहिए या फिर शॉर्ट ही बनाना चाहिए, आप दोनों ही बना सकते हैं। और आपको हमने बता भी दिया किससे वॉच टाइम आपको ज़्यादा मिलता है किससे कम मिलता है, और प्रॉफिट की बात अगर हम आपको बता दें कि क्या बनाने से ज़्यादा फायदे होते हैं, तो देखिए अगर आपका 2.5 लाख व्यूज दिख रहा है 48 घंटे के अंदर 2.5 लाख या फिर 3 लाख के करीब, तो आपको $1 मिलेगा। लेकिन अगर आपके वही चैनल पर अगर आपकी 8 मिनट की 7 मिनट की वीडियो है अगर 5,000, 6,000 या फिर 10,000 व्यूज आ जाते हैं तो आपको आराम से $1, $1.50 तो मिल जाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि लॉन्ग वीडियो पे ज़्यादा प्रॉफिट है कि शॉर्ट वीडियो पर है, तो मेरे ख्याल से दोनों पर प्रॉफिट है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो ज़्यादा चलता है, ज़्यादा व्यूज आता है शॉर्ट वीडियो पर, और लॉन्ग वीडियो पे कम व्यूज आता है लेकिन कम व्यूज पर ही ज़्यादा डॉलर बनता है। तो फिर आपको दोनों ही बनाने चाहिए मेरे हिसाब से, तो मैं तो दोनों ही बनाती हूँ। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कि हमको लॉन्ग वीडियो बनाना चाहिए और कैसे अपना चैनल हमको मोनेटाइज करना चाहिए, इसको भी बता दिया हमने कि लाइव ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो चैनल जल्दी मोनेटाइज होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग लाइव आ रहे हैं। मैंने एक दीदी आई थी मेरे घर मुझसे मिलने, तो मैंने उनका चैनल बनाया था और उनके चैनल का नाम है पूजा सिंह लोगी, तो उनका चैनल बहुत जल्द ही ग्रो किया और उन्होंने मेहनत भी की और लाइव अब आ रहे हैं, उनके लाइव को आप जाकर देखिए चेक करिए, बहुत अच्छे खासे लोग जुड़ रहे हैं। लोग कहते हैं मेरे लाइव में लोग जुड़ते नहीं हैं, दो चार, तो देखिए 2-4 जुड़ रहे हैं, जुड़ तो रहे हैं ना, लेकिन रेगुलर आप आएंगे लाइव, रेगुलर काम करते रहेंगे तो और भी ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, 1,000-2,000 लोग जुड़ेंगे। और उसके बाद अपने शॉर्ट वीडियो पर ध्यान दीजिए कि शॉर्ट वीडियो का जो हमारा YT स्टूडियो में रियल टाइम है वो मतलब 50,000 हो या 1 लाख हो, तो ज़्यादा लोग जुड़ते हैं आपके लाइव में। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो समझ आ रही होगी हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो आपकी मर्जी है, आप लॉन्ग बनाइए शॉर्ट बनाइए दोनों मिक्स करके बनाइए, बस ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल पर काम करिए, अपनी वीडियो को साफ सुथरी एक टाइम पर एक कैटेगरी में डालेंगे तो चैनल पे ज़्यादा व्यूज़ आने के चांसेस रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो समझ आएगी, और जो इस वीडियो को देखकर जिसका कमेंट पहला आएगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। बहुत सारी माताएं बहनें थी जिनको मैंने सपोर्ट कर दिया था, उनका भी कमेंट पहले ही आया था तो फिर उनका नाम हमने नहीं लिया था। आज देखिए बहुत सारे और लोग भी होते हैं, सोचते हैं कि उनको भी सपोर्ट मिल जाए, आपको तो हमने कल की वीडियो में परसों की वीडियो में सपोर्ट किए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई एक्स्ट्रा लोग का भी नाम ले लिए, इसलिए उन लोगों का नाम नहीं लिए थे दीदी लोग का। फिलहाल आप हम लोग हमारी वीडियो को देखते हैं अच्छा लगता है
और कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।